हेलो गाइज, आप सभी का दोबारा से गवर्नमेंट जॉब्स के यूट्यूब पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों और मेरे भाई और बहनों, आप सभी के लिए एकदम न्यू भर्ती का अपडेट हम लेकर आ चुके हैं। हरियाणा के साथ साथ आज की जो भर्ती रहने वाली है सरकारी स्कूलों के अंदर अध्यापक की भर्ती है। अगर मेरे भाई और बहन कोई भी सरकारी स्कूल में अगर टीचर लगना चाह रहा है, गेस्ट टीचर लगना चाह रहा है, MCD विभाग के थ्रू जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन डिपार्टमेंट होता है उसकी भर्ती भी आ चुकी है। म्युनिसिपल कॉरपोरेशन डिपार्टमेंट MCD विभाग के थ्रू जो टीचर लगते हैं उनकी भर्ती की आज हम जिक्र करें। बिग ब्रेकिंग न्यूज आप सभी के सामने लेकर आए हूं। अभी जो नया नोटिस क्या जारी किया हरियाणा सरकार के साथ साथ में दिल्ली सरकार का भी अपडेट आ चुका है। ऑनलाइन आपको फॉर्म भरना पड़ेगा, मेरिट बेस पर सिलेक्शन होगा, ना कोई फिजिकल होगा, ना कोई आपका एग्जाम होगा, सीधा आपको सिलेक्शन दिया जा रहा है। MCD विभाग के थ्रू जो टीचर लगाए जा रहे हैं उसका क्या क्राइटेरिया रहता है, आपकी एज क्या होनी चाहिए, आपकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, फॉर्म का लिंक कहां से मिलेगा, ऐसी ऐसी भर्तियों का अपडेट भाई और बहनों कोई भी यूट्यूबर्स नहीं बताता है। आपने देखा होगा कि दिल्ली के बच्चे आराम से सिलेक्शन प्राप्त कर लेते हैं, वो ना तो किसी भी जॉब्स के इतने पीछे पड़ते हैं, फिर भी वो अच्छे से बढ़िया सी एक जॉब प्राप्त कर लेते हैं। अपने जो गांवों के बच्चे होते हैं हरियाणा के, वो इतने पढ़ाई भी करते हैं, इतनी मेहनत भी करते हैं, फिर भी आखिरी तक उन्हें जॉब नहीं मिल पाते। तो मैं उनको बताना चाहूंगा भाई और बहनों, जिस प्रकार से दिल्ली के बच्चे बिल्कुल आराम से सिलेक्शन ले लेते हैं उसी प्रकार से अगर आप थोड़े से अपडेट रही, आपको करेक्टली जो भी अपडेट आते हैं कंटिन्यू आपको मिलते रहेंगे तो सिलेक्शन आपका भी दूर नहीं रहता है। MCD विभाग के अंदर जो दिल्ली के अंदर जो गेस्ट टीचर लगते हैं सरकारी स्कूलों के अंदर, वो किस प्रकार से लगते हैं आज तक आपको किसी भी यूट्यूबर ने बताया, आज तक नहीं पता होगा आपको। गांव के जो भी भाई और बहन बिलोंग करते हैं तो उनके लिए मैं बढ़िया सी जॉब लेकर आया हूं। MCD जो टीचर्स की जॉब रहने वाली है दिल्ली के अंदर, ये जॉब आई है, बहुत ही अच्छी जॉब रहने वाली है। आप सभी इसको अप्लाई जरूर करना। फॉर्म की फीस भी बिल्कुल भी कुछ भी नहीं लगने वाला है, 0 रुपए एप्लीकेशन फी रहने वाली है। फॉर्म किस प्रकार से अप्लाई होगा, कहां पर आपको अप्लाई करना पड़ेगा, पूरा डिटेल से जानकारी दूंगा। वीडियो पर कंटिन्यू बने रहे। अगर मेरा भाई गुरु बहन कोई भी आज हमारे चैनल पर पहली बार अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई गुरु बहनों यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आने वाले हर अपडेट हर नोटिफिकेशन आपको इसी प्रकार से देखने को मिलेंगे। पूरा हरियाणा हो गया, पूरा दिल्ली हो गया, पूरा चंडीगढ़ हो गया, तीनों जगह से कोई भी भर्ती आती है, चाहे एक पोस्ट आए किसी भी डिपार्टमेंट के अंदर, चाहे 1000 पोस्ट आए, सबसे पहले सबसे फास्ट आपको गवर्नमेंट जॉब्स के यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेगा। कोई भी वैकेंसी आएगा तो सबसे पहले आपको इसी प्रकार से सारे के सारे नोटिफिकेशन मिलते रहे। अभी तक जिस भी भाई गुरु बहन ने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो यूट्यूब को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। साथ में अगर कोई भाई और बहन हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना चाह रहा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल रखा है टेलीग्राम ग्रुप का, जाके वहां से भी टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर लेना। आइए मैं आपको ऑफिशियल अपडेट दिखाता हूं कि सरकारी स्कूलों के अंदर किस प्रकार की वैकेंसी का जो अपडेट आया है, ऑफिशियल अपडेट में क्या लिखा हुआ है और आपको किस प्रकार से सिलेक्शन दिया जाएगा, पूरा डिटेल से जानकारी दूंगा। वीडियो पर कंटिन्यू बने रहे। ओके मेरे सभी भाई और बहनों को बिल्कुल साफ साफ दिख रहा होगा दिल्ली का अपडेट आप सभी के सामने लेकर आ चुके हैं। म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली एजुकेशनल डिपार्टमेंट जो आपका सामने रहने वाला है, इनका हेड ऑफिस है 15th फ्लोर डॉक्टर जो आपका SPM सीविल जो सेंटर है न्यू दिल्ली के अंदर, वहां का ये भर्ती का अपडेट आप सभी के सामने आ चुका है। ये अपडेट का नंबर भी डाल रखा और ये तारीख 23 तारीख को ये अपडेट जारी किया गया था, जिसके अंदर MCD टीचर्स किस डिपार्टमेंट के होने चाहिए, इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स के लिए MCD टीचर्स हैं मांगे गए हैं। म्युनिसिपल कॉरपोरेशन डिपार्टमेंट के थ्रू जो इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स होता है उसके लिए जो भी मेरे भाई गुरु बहन, अगर जिसकी भी इंग्लिश बढ़िया है, अगर वो इंग्लिश में परफेक्ट है तो इस फॉर्म को जरूर अप्लाई करना। जिसके अंदर क्या लिखा गया है, विद द विजन ऑफ द प्रोविड प्रोवाइडिंग जो कंटिन्यूसली प्रोफेशनल डेवलपमेंट ऑफ द टीचर्स एजुकेशनल डिपार्टमेंट MCD इज बींग ऑफर्ड बाय द दिल्ली स्किल्स एंड इंटर्नशिप यूनिवर्सिटी। इसके अंदर क्या लिखा गया है कि हमारा एक क्राइटेरिया है, विजन है कि हम इंग्लिश के जो भी अध्यापक है उनको टीचर्स के लिए डिपार्टमेंट MCD के थ्रू भर्ती करेंगे, ऑफर दे रहे हैं। दिल्ली के जितने भी बच्चे उनकी स्किल्ड वगैरह इंटर्नशिप कोई भी यूनिवर्सिटी से पढ़ा हुआ बच्चा है तो उनके लिए हम 120 जो इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स के कम्युनिकेशन स्ट्रेंथ है वो रखने वाले हैं, 120 जो बच्चे हैं उनकी भर्ती करने वाले हैं। द कोर्स इज ऑफर्ड फॉर द टीचर्स हैविंग द ग्रुप जो आपका एज होना चाहिए, 120 जो बच्चों का ग्रुप लेके जाएंगे उसके अंदर 18 से 35 साल के सभी बच्चे रहेंगे। दे एनरोल्ड जो आपका एनरोलमेंट होगा अवेलेबल फॉर्म आपका 29 मई से लेके 30 जून तक आपका जो एनरोल है वो करवाया जाएगा। इंग्लिश जो कम्युनिकेशन कोर्स विद शेड्यूल आपका 29 मई से 30 जून तक रखा जाएगा, जिसके अंदर आपको साफ साफ लिख दिया गया है अगर कोई भी इंग्लिश सीखने का इच्छुक उम्मीदवार है
तो अपना एनरोलमेंट कर ले, और जो भी पढ़ाने का इच्छुक है इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स ऑफ एमसीडी टीचर्स के थ्रू, जो भी पढ़ना चाह रहा है उसके लिए ये भर्ती आ चुकी है। इसमें लिखा गया है कि एज पर कम्युनिकेशन रिसीव्ड द नॉमिनल जो चार्ज आपका लिया जाएगा, इंटरेस्टेड जो भी कैंडिडेट होंगे विच विल द रिफंडेबल आफ्टर सक्सेसफुली कंप्लीटेशन ऑफ द कोर्स। अगर आप बिल्कुल अच्छे से कोर्स को कंप्लीट कर लेते हैं जो भी इंग्लिश सीखेगा, तो उसको जो आपका जो फीस होगा वो रिफंड भी कर दिया जाएगा, और जो भी इंटरेस्टेड जो कैंडिडेट है अप्लाई आपको गूगलिंग इस फॉरम से करना होगा। ये आपके लिए बहुत ही बढ़िया अपडेट लेकर आए हैं। और जो इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स के जो टीचर्स लगना चाहते हैं, एमसीडी टीचर्स जो बोलने जा रहे हैं हरियाणा के साथ साथ दिल्ली की भर्ती में, तो उनकी ये भर्ती आ रखी है। 120 जो कैंडिडेट है, 120 ग्रुप बनाए जाएंगे, एक ग्रुप में 120 बच्चे रहेंगे जिनके लिए एक टीचर फिक्स किया जाएगा, जिसके लिए ये भर्ती आ रखी है, जिसके अंदर कैब अलग है। देयरफॉर द जोनल अथॉरिटी रिक्वेस्टेड प्रोवाइड डिटेल्स, जो भी इंटरेस्टेड जो कैंडिडेट है ऑफिशियली इस मेल पर अपना कॉन्टेक्ट करें, अपना रिज्यूम वगैरह भेजना होगा इसके ऊपर, और यहीं से आपको पता चलेगा जो भी कॉन्टेक्ट जो प्रिंसिपल्स होंगे, जोनल्स डीडीओज होंगे, उनके थ्रू आपको सारा इंफॉर्मेशन मिलता रहेगा। इस मेल के थ्रू अपना रिज्यूम भेजना होगा, गूगल फॉर्म इस लिंक पर भेजना होगा, और गूगल जो फॉर्म का लिंक है मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डालूंगा और अपने टेलीग्राम ग्रुप में भी डालूंगा, वहां से भी आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो दिल्ली के अंदर जितने भी इच्छुक उम्मीदवार हैं, अगर कोई भी एमसीडी विभाग के अंदर लगना चाह रहा है, एमसीडी विभाग के अंदर इतने ज्यादा डिपार्टमेंट आते हैं भाई और बहनों, मैं आपको बताना चाहूंगा अगर दिल्ली के अंदर जो पेड़ पौधे लगा रखे हैं रोडों के अंदर, वो जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के हिसाब से उसमें जो पानी डालने वाले हैं उनकी भी सैलरी सुनकर आप हैरान हो जाएंगे, वो भी एक गवर्नमेंट एम्प्लॉई है। तो जो भी कम पढ़े लिखे स्टूडेंट है उनको भी मैं निराश नहीं होने दूंगा, और जो अच्छे पढ़े लिखे हैं उनको भी निराश नहीं होने दूंगा। हर टाइप की मैं वैकेंसी का अपडेट लेकर आता रहता हूं दिल्ली के अंदर। एमसीडी विभाग के अंदर कोई भी रिक्रूटमेंट आती है, चाहे जल विभाग के अंदर आए, चाहे किसी भी वन विभाग के अंदर आए, चाहे बिजली विभाग के अंदर आए, वहां पर सारा का सारा सिस्टम एमसीडी के थ्रू चलता है, ये भी आप सभी को पता है। नगर निगम अलग सिस्टम हो गया, एमसीडी अलग सिस्टम हो गया। तो मेरे भाई और बहन, जो भी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के हिसाब से जो भी भर्ती लेकर आएंगे डायरेक्टली आपको देखने को मिलेंगे, और हरियाणा के साथ साथ दिल्ली की वैकेंसियों के लिए जो भी अपडेट्स आएंगे कंटिन्यू हमारे टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दिए जाते हैं हर अपडेट, और साथ में हमारे यूट्यूब चैनल पर भी आपको सारी भर्तियों की जानकारी दी जाती है। तो आने वाले कोई भी दिल्ली के अंदर हेल्थ विभाग की वैकेंसी आपको चाहिए तो वो भी बताई जाएंगे, आंगनवाड़ी विभाग की भर्ती आती है वो भी बताई जाती है, साथ में एमसीडी विभाग की भर्ती आती है वो भी बताई जाती है, और दिल्ली के अंदर आपको पता है सारे के सारे हेड ऑफिस भी बैठे हुए हैं, सभी के हेड ऑफिस दिल्ली में है, चंडीगढ़ में है, डायरेक्ट वहां पर सिलेक्शन आते रहते हैं। ऐसे ऐसे नाम बता दूंगा आज तक आपने विभाग का नाम नहीं सुना होगा जहां पर बिल्कुल मेरिट बेस पर सिलेक्शन होता है। तो आने वाली भर्तियों के ऊपर थोड़ा सा अपडेट रहिए, एक से डेढ़ महीना थोड़ा अपडेट होकर देखिए, कोई भी भर्ती आती है सीधी जानकारी आपको बताई जाएगी और हर एक अपडेट आप तक पहुंचता रहेगा। भाई और बहनों, अगर आपको सारे के सारे अपडेट चाहिए तो हमारे चैनल से आप जुड़े रहना, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, साथ में हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर लेना, आने वाले हर नोटिफिकेशन हर अपडेट की जानकारी आपको देखने को मिलती रहेगी। तो ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिए, क्योंकि आपका एक लाइक मुझे बहुत ही मोटिवेशन मिलता है। तो जितना ज्यादा हो सके सभी भाई और बहनों वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। दोस्तों मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू, जय हिंद जय भारत।